सूचना के गोरेगांव गौतम कंपाउंड के रहवासियों के तोड़ दिए गए घर, महिला आम जनता कारण पूछने गए वकील और मीडिया कर्मियों के साथ पुलिस ने की बदसलूकी। बिल्डर के फायदे के लिए मनपा और पुलिस मिलकर किसी भी हद तक जा सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण है आज का हादसा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी आवास योजना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के राज में लोग खुले आसमान में रहने को मजबूर हो गए हैं। मामला गोरेगांव वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सटे एक रहवासी कंपाउंड से जुड़ा है। गौतम कंपाउंड नामक इस कंपाउंड में पिछले कई दशकों से लोग यहाँ रह रहे हैं। सारे जरूरी कागजात इनके पास मौजूद है, इसके बावजूद पुलिस या बल का गलत इस्तेमाल कर आज उनके आशियाने तोड़ दिए गए। हद तो तब हो गई जब स्थानीय जनता, मीडिया कर्मी समय नेशनल के वरिष्ठ संवाददाता अरुण कुमार गुप्ता और वकील सीए अंबानी वहां मौजूद पुलिस अधिकारी अजित कुमार वर्तक से किसी भी प्रकार के नोटिस के बारे में पूछने गए तो तेज में आकर इस पुलिस अधिकारी ने अपने वर्दी का गलत इस्तेमाल कर पूरी बदसलूकी के साथ पेश आकर सभी को खींच कर पुलिस वैन में भर दिया। बदतमीजी की हद तब पार हो गई जब एसीपी सुभाष वेड़े के सामने ही इस अधिकारी ने रौब जमा कर कैमरा तोड़ने की कोशिश की। हम इस वक्त मौजूद है गांव के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इस पहाड़ी भाग के में, ये बिल्कुल वेस्टर्न एक्सप्रेस से करीब एसपी पेट्रोल पंप के सामने का लोकेशन में इसका सिटी आपको दिखाना चाहूंगा। ये सिटीएस नंबर है 415A1 23। ये गोरेगांव आईबी पटेल रोड अपोजिट एसपी पेट्रोल पंप के सामने का ये प्रोजेक्ट एक प्लॉट। लोगों का कहना है कि ये पिछले कई दशक से यहाँ पे रहते हैं। आज पुलिस ने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस परिसर को जद्दोजहद करके तोड़ दिया। पुलिस ईमानदारी की लोग तारीफ भी करें, क्योंकि इतनी ईमानदारी शायद पुलिस वाले अगर अपने ड्यूटी पे करते तो यहाँ की जनता किसी भी चिंता मुक्त रहती। क्या इंटरेस्ट रहा इस पूरे इलाकों को जमीनों दस्त कर दिया गया, मीडिया के साथ बदसलूकी की गई, जनता के साथ बदसलूकी की, यहाँ की महिलाओं के साथ हाथापाई, कई प्रकार के बातें हुई, लोगों के आंसू, लोगों के चेहरे आप देख के भाव कर के कितने साल से रहते थे, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ बहुत अन्याय, पुलिस कुछ नहीं की, पैसा सब नेता मंत्री खाए के, हमारा कोई सहारा ना दिया, 9 साल का है इधर हमारा ससुर। क्या बताना चाहेंगे आप, कितने साल से यहाँ पे रहते हैं? सर हम लोग 7 साल से इधर, और सिर्फ कोई किया है स्ट्रेचर ये पसंद करने को नहीं बोला था, और उन्होंने हमको ये भी नहीं दिया, नोटिस भी नहीं, उनसे हम नोटिस मांग रहे थे, बोलता है जाओ जो कर लो। वो चौहान बीएमसी, हाँ विशाल चौहान, क्या नाम है सर? वो बोलता है कि जाओ करना, केवल किरण वो बोलता है कि जाओ अभी तुम मेरे जेब में हो, निकलो। आप लोग आप लो जब चाहिए, पुलिस का रवैया क्या था खास, क्योंकि इसमें पुलिस एक मिनट पुलिस ने जो पुलिस आई इधर, पुलिस जो आई वर्तक साहब थे, सब लोग थे, बोल वर्तक साहब थे, बोलते सब लोग भैया लोग गाड़ी में भरो, भैया लोग को भगाओ। एग्जाम भी तो हम लोग का बात सुना। एक मिनट क्या बोला है वर्तक ने? बोला सब भैया लोग को मादो तो लोग। जिस वर्तक की बात कर रहे हैं ये वही वर्तक है, ये वही वर्तक है, इसने खास कर वही बोलो ना, सब लोग क्या काम का। जिस वर्तक ऑफिसर की बात करें वे वही वर्तक है जिसने मीडिया के साथ भी बदसलूकी की, मीडिया के कैमरे तोड़ दिए, बड़े ही कैमरे तोड़े गए, हमारा जो हौसला है वो ऑफिसर नहीं तोड़ सकता। मैं मौजूद हूँ इस वक्त, मैं मौजूद हूँ इसी मौके पर जहाँ पे मेरे साथ से भी कहीं ना कहीं बदसलूकी की गई। खैर दूसरी बात, पास कुछ विद्यार्थी भी हैं जिनका 12वीं का एग्जाम एग्जाम था, नहीं कुछ करने, कुछ भी सुना नहीं हमारा, सब दब गए, हमारा क्या होएगा, बच्चे का देखा नहीं, हमारा 12th बोर्ड करेंगे हम लोग, नेक्स्ट मंथ करेंगे, किधर जाएंगे, पूरा भूख हमारा चला गया उसमें, नेक्स्ट मंथ हमारा बोर्ड एग्जाम है, 5 तारीख से बोर्ड एग्जाम आ रहा है हमारा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य वो धूमिल हो जाए, बच्चे नुकसान में हो, बच्चों के साथ हाथापाई हो, महिलाओं के साथ हाथापाई हो, पुलिस को इस चीजों से कुछ लेना नहीं है। यहाँ पे जो वकील कुछ जानकारी लेने के लिए आए थे, जो हादसा मीडिया के साथ हुआ, जो हादसा यहाँ के लोगों के साथ हुआ, वो हादसा वकील के साथ भी हुआ, मेरे साथ वो वकील भी मौजूद है। क्या हुआ आपके साथ में जब आप पूछने आए कि नोटिस दी गई या नहीं? ने उसको पूछा तो वो बोले हमारे पास हाईकोर्ट ऑर्डर है। ठीक है, उनके पास ऑर्डर होगी,
नहीं होगी, ये बात पे हम आज अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे। मान के उनके पास हाईकोर्ट की ऑर्डर है भी, उनको ये ऑर्डर दिखानी चाहिए थी। उसके बावजूद जब उनको बोला गया कि साहब अभी तोड़क कार्रवाई आपकी सब तोड़क कार्रवाई खत्म हो चुकी है, तो ये जो बच्चे हैं महिलाएं इनका जो सर सामान लेवर जो कुछ भी पैसा लगता पड़ा जो भी पड़ा होगा सर आप उनको लेने दीजिए, तो उन्होंने बोला हम किसी को कुछ नहीं लेने, हमको हमारी कार्रवाई करने दो। ठीक, वो अपने अपनी बात पे अड़े रहे, वो अपने काम में सही होंगे, पर सब कार्रवाई करने के बाद में जेसीबी मशीन निकल जाने के बाद में उसके बाद में तो कोई कब्जे वाला अब नहीं था, अपने अपने को सबको अपना सामान लेने को देना चाहिए, या इंसानियत भी आती है। माना कि पुलिस वाले काम अपने पावर में कर रहे थे, पर एक इंसानियत के तौर पर भी उनको सामान ले देना चाहिए था। अब उसके ऊपर बस सरकार को सोचना है, सबको सोचना है कि ये ऐसे चलेगा नहीं। आपके साथ हाथापाई की क्या सही था वो? अब किसी के हिसाब से किसी के साथ हाथापाई करना ये सही नहीं होता। और मैं तो इधर रहता हूँ ना कुछ, मैं चैनल की तरफ से भी मैं लॉयर हूँ इनका, ये चैनल का मैं लॉयर हूँ। जब मैंने देखा तो इन्होंने रुक गया, मैं पूछा सर इनको सामान लेने दीजिए, तो मेरे को बोला कि आप उधर साइड में खड़े रहिए, और मेरे को उठा के उन्होंने गाड़ी में बिठा दिया 15 मिनट के लिए। मैं बात करूँ यहाँ पे लोगों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय, किसके दबाव में हो रहे इतनी ईमानदार पुलिस वाले किस लिए दिखा रहे हैं? एक क्लोथिंग जो जींस कंपनी का मालिक केबल चंद और जिनेश, ये सर इनके कहने पे बीएमसी पुलिस स्टेशन पूरा सेट है इनके कहने पे। हमारा 55 से हमारे दादाजी रहते, हमारे पास असेसमेंट है 55 से, और सर सब उन्होंने और परमिशन है। हाँ। हमने पुलिस अनऑथराइज स्ट्रक्चर खाली हुआ है, अनऑथराइज 6 स्ट्रक्चर है, उसके बदले 10 स्ट्रक्चर इन्होंने तोड़ दिया हमारा। अब परमिशन होने के बाद भी 26 का लीगल 92 का परमिशन होने के बाद भी तोड़ दिया, और सर मेरा नोटिस नहीं देने के बाद भी होटल भी तोड़ दिया। अब पुलिस प्रोटेक्शन जगह कब्जा करवाने के लिए केवल पुलिस प्रोटेक्शन लिया है, इनको क्या राइट है? अगर बात यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर की, तो ये 6 लीगल नोटिस का कोर्ट ने नोटिस दिया है, 6 स्ट्रक्चर तोड़े जा सकते, लेकिन 6 के बदले पूरा इलाका ही जो है यहाँ साथ दिया गया। क्या पॉइंट बताना चाहेंगे लीगल पॉइंट? और एक है, अगर 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 पूरे में समझो 50 रूम की भी या 100 स्ट्रक्चर भी उधर 10 अगर इलीगल मिले जाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर तोड़ने नहीं होते, डिमोलिश नहीं, काटे जाते हैं। और काटने का एक तरीका है, ऐसे नहीं कि जेसीबी उठा के आप अंधाधुन फैला दो, इट इज कॉल्ड एज डिमोलिशन। ये आपने जमीन क्लोज कर दिया है, आपने वो 6 स्ट्रक्चर काटे नहीं है, और काटने के बावजूद चलो डिमोलिशन करने है, आपके पास जो कुछ भी है। तो जहाँ तक मेरी राय है, जहाँ तक मेरे को पता है, आप लोगों को आने के बाद में सबको बोलना चाहिए हम लोग कितने बजे तोड़ने आने वाले हैं, कितने बजे तोड़ने आने वाले, आप आपका सर सामान बीवी जो भी आपको आपकी अरेंजमेंट है दूसरी कर लो। आने के बाद में दिया नहीं दिया, इनके पास ऑर्डर थे यार, तो इन्होंने बोलना चाहिए भाई हमको 1 घंटा देते, हम आपको आधा घंटा देते, आपको 1 घंटा देते, हम आपको 15 मिनट का देते, आप अपना सामान ले जाइए, आप अपना सामान निकाल के आप इधर सेफ जगह, आप अपना सामान निकाल जगह पे खड़े रहिए। मान लो कि कोई अपने किसी बच्चे को, मान लो कोई अपने बच्चे को किसी को स्कूल में छोड़ने के लिए कुछ है, छोटा बच्चा घर में होगा, अब किसी को पता नहीं होगा, बाहर से ताला मार के औरतें चली जाती है, वो सिचुएशन में क्या होगा? मैं आपके पास आता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आपके साथ? मैडम ये क्या, हमको नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, किस वजह से तोड़ा गया है? पहला नोटिस मांगा जाता है, नोटिस मिला जाता है इंसान को, कब नोटिस मिलेगा? हाँ, आदमी मरने के बाद नोटिस मिलता है कि पहले मिलता है, मुझे इसका जवाब चाहिए। पता है ना कि जनता मांग कर रही है इसके जवाब देने के लिए, कई लीगल पेपर से हम आपको दिखाएंगे, कुछ लोग और भी मेरे साथ, क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे हादसा किया गया पूरा? सर ये 60 साल से भी पुराना, जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उससे भी पुराना ये स्ट्रक्चर है। केवल चंद जैन जो किलर जींस कंपनी का मालिक है, उसने पुलिस स्टेशन को खरीद लिया है, बीएमसी को मैनेज किया है, और इस तरह से कहीं पर भी डिमोलेशन नहीं होता है। इस तरह से पुलिस कहीं भी इतनी तत्परता नहीं दिखाते क्रिमिनल पकड़ने के लिए। जिस तरह एक उत्तर भारतीय समाज के लोगों का घर तोड़ा गया है, इनके ऊपर अन्याय किया गया है, ये पूरी तरह से पैसे के जोर पे किया जा रहा है, पैसे के जोर पे गरीबों को यहाँ से बेघर किया जा रहा है। और केवल चंद जैन का कहना है कि यूपी वाले लोगों को मैं यूपी भेज दूंगा। एक वर्तक करके अधिकारी, वंदाई पुलिस थाने के अधिकारी रवल मैडम, ये वंदाई पुलिस थाना पुलिस स्टेशन के सारे अधिकारी पूरी तरह से मैनेज हुए, बीएमसी मैनेज है। इस तरह से किसी भी गरीब जो भी 50 साल से ज्यादा पुराना इनके पास, इन्होंने मेंटेनेंस भरा है सारा, इनके पास
डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो आके। इनका हाईकोर्ट सिर्फ 6 स्ट्रक्चर का जो विकेट करने का मिला था, इन्होंने 10 से भी ज्यादा घर को इन्होंने डिमोलेशन कर दिया। मैंने कभी डिमोलेशन नहीं देखा, मैं एक समाज सेवक हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी इस तरह से डिमोलेशन नहीं देखा। और 351 का नोटिस नहीं दिया गया, कोई नोटिस 354 का नोटिस नहीं इशू किया गया। एक गरीबों के साथ पूरी तरह से एकदम हिटलर वाला जो अंग्रेजों का हुकूमत था, जिस तरह से अन्याय हुआ उस तरह से आज उत्तर भारतीय समाज लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, मैं इसका कड़ा निषेध करता हूँ। जी बिल्कुल, कहना कि जो उत्तर भारतीय समाज हो या यहाँ पे बसने वाला हर हिंदुस्तानी नागरिक हो, कायदा और कानून सभी के लिए बना है, लेकिन जितनी ईमानदारी, एक ऑफिसर का नाम है राजीव कुमार वर्तक, जितनी ईमानदारी से कोई अगर व्यक्ति उससे पूछने जाता है क्या इस डिमोलेशन की जानकारी आपके पास है, उस ऑफिसर का सिर्फ एक काम है, उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ना और उसे पुलिस की गाड़ी में भर देना। मैं जानना चाहूंगा आप यहाँ पे इतने सालों से ऐसे लोगों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, पुलिस के साथ क्या? सरकार से एक शिकायत है, सरकार हम आम आदमी लोगों से ही बनती है, पर हम आम आदमी की वजह से इन लोग क्यों ऐसे करते हैं? पुलिस को जो पगार जाती है हम लोगों के टैक्स से भरता है, पर पुलिस हम लोगों के खिलाफ क्यों खड़ी होती है? किलर वाले के खिलाफ क्यों नहीं खड़ी होती है? आखिर इसका बनना चाहिए ना अनलीगल। यहाँ पे बात करें, आप मतदान करते होंगे, चुनाव का माहौल है, क्या कोई नेता आया यहाँ पे? कोई नेता नहीं आया, हम लोग सबके पैर तक पड़े गए। हमारे नगर से कहाँ है नेता लोग का पैर पड़ा, सुनील का पड़े, सब विद्या ठाकुर का पैर पड़े, कोई नहीं सुनने को तैयार है। पीएम मोदी फॉर्म भरा रहे सबको घर देने का, और हमारा घर तोड़ा जा रहा है सर, हमारा बस क्यों, हम गरीब हैं, ऐसे हम लोग लाएंगे 25-25 लाख केस भरने के लिए? साहब मेरे पोती का शादी है, हम लोग सब गहना गीठो कपड़ा लत्ता सब जुटा, 20 तारीख के तो है अभी, जुटा के रखा था, अब कुछ नहीं निकालने दिया, उसी में फंस कर दिया, अभी हम क्या करेगा बोलो? सब अंदर है, हम लोग बोले कुछ, अब चोरी हो गया, क्या करेंगे अभी हम लोग 20 तारीख को, बताओ आप, हम लोग तो खत्म, हम लोग ने बोला था कि बस हम लोग को एक ही तारीख को भी आके आप तोड़ोगे ना, हम कोई फर्क नहीं है, उन लोग ने हम लोग को कुछ परमिशन वगैरह कुछ पेपर तक नहीं ला के दिया, हम लोग बोला कि निकालने के लिए नहीं, हम लोग निकालने दो, पुलिस वाले सब हम लोग का देखो, मेरा हाथ पूरा मेरा हाथ मोड़ के बात पकड़ के निकाल दिए, पूरा 2-3 झापड़े देखो पूरा मार, जो लोग ने बोले कि निकालने दो, लाल निशान है पूरा, बोला निकालने दो, नहीं निकालने दिए इन लोग, हमारा पूरा सुंदर गहना हम लोग कबाट में, साड़ी बीड़ी सब हम लोग का बच्चे सब उसी में, पूरा मेरा तो हम लोग का सबका सामान जल गया, हम लोग ना सब हम लोग उसी में रखे थे कबाट, पैसा तो हम लोग सिर्फ खाली हाथ हम लोग निकले आप लोग के सामने, हम लोग कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम कहाँ जाएंगे 20 तारीख को हम लोग ने न्योता दिया, उन लोग कहाँ जाएंगे हम लोग। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री घर बसाने की बात कर रहे, वहीं उन्हीं के पार्टी से संबंध रखने वाले यहाँ के विधायक, यहाँ के राज्य मंत्री, चाहे वो श्रीमती विद्या ठाकुर हो, चाहे आप सुनील प्रभु हो, उनके कानों पर जू तक नहीं रहेंगी कि क्या जनता के लिए कुछ करना चाहिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता हो चुकी है, ऐसे में इतना बड़ा डेमोलेशन कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान खड़ा करता है पुलिस के उस महकमे पे, जो इतने बंदोबस्त के साथ में इस पूरे घर को जसोजस करके पूरा जमीनोदस्त कर दिया गया, क्या कारण रहा, क्या विशेषता रही, पुलिस की इतनी ड्यूटी की, मनपा कर्मी की इतनी ड्यूटी की कि बाजू में पड़े इलीगल स्ट्रक्चर नहीं तोड़े गए जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के थे, लेकिन यहाँ के लोगों को तोड़ दिया गया, बेघर कर दिया गया। जनता सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, हमारी गलती क्या है, क्या इस गलती का जवाब शासन और प्रशासन या पुलिस महकमा देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समय नेशनल के हौसले बुलंद है, चाहे आप कॉलर पकड़ के हमें गाड़ी भर दे या हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करे, लेकिन हमारी आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। समय नेशनल आप ऐसे ही देखते रहिए, वीडियो जर्नलिस्ट नईम अहमद के साथ अरुण गुप्ता, समय नेशनल, मुंबई। आरोप यह भी लगा रहे हैं कि सिर्फ एक बिल्डर के दबाव में आकर इस तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।